नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं दिया एंड आज के क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों अलग अलग वे में हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों टोटल हमें आउटस्टैंडिंग देखना है हमारे पेबल्स का, टोटल आउटस्टैंडिंग देखना है हमारे रिसीवेबल का, ग्रुप वाइज लेजर वाइज किस तरीके से हम देख सकते हैं वो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि हम बिल वाइज एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले हमारा वो वीडियो जरूर से देखिए, क्योंकि हमें बिल वाइज अकाउंटिंग करना इतना ही जरूरी है ताकि हमें प्रॉपर हमारा जो रिपोर्ट है वो मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। दोस्तों आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करने के लिए पहले हम लोगों ने एंट्रीज की हुई है तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डे बुक चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अल्ट F2 करके चेंज पीरियड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये सभी एंट्रीज की हुई है हमारे लास्ट क्लास में। हम यहाँ पे एस्केप करके बाहर आते हैं, माने की गेटवे ऑफ टैली में। हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में से डिस्प्ले में से हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, तो हम वहां पे जाएंगे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, रिसीवेबल, पेबल्स, लेजर एंड ग्रुप। ये हम वन बाय वन पूरा देखते हैं कि किस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल माने कि दोस्तों हमारे डेटर्स की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हम रिसीवेबल में जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमने दो इनवॉइसेस बनाए थे, जो है 20 दिसंबर को एक दिशा एंड कंपनी को, जो बिल नंबर है वो 123 है, जो पेंडिंग अमाउंट है वो 4325 है और ये जो डेट है ड्यू डेट जो है वो 20 दिसंबर और ओवर ड्यू डेज जो है वो 2 डेज दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 22 दिसंबर डाला हुआ है। तो यहाँ पे 2 दिन ओवर ड्यू हो गए हैं बट यहाँ पे हमें पेमेंट नहीं मिला है। वैसे ही जी मार्ट करके हमारा एक वेंडर है जिनसे हमें 2 दिन हो गए बट अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, टोटल 68,000 उनका भी पेंडिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्स रिसीवेबल में टोटल 72,325 हमारा टोटल रिसीवेबल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हमें डिटेल में देखना है दोस्तों तो अल्ट F1 कीजिए तो यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप फर्स्ट वाली एंट्री को देखेंगे तो दिशा एंड कंपनी जो है उसका हमने एक इनवॉइस रेज किया था जो है 6325 का, और ये इनवॉइस के बिहाफ में उन्होंने यहाँ पे हमें 2,000 रुपए पे किए हैं। यहाँ पे उनका पेंडिंग अमाउंट भी हमें दिखेगा। और यहाँ पे एक दूसरा हमारा क्लाइंट है वो है जी मार्ट, तो जी मार्ट को हमने एक 001 नंबर का इनवॉइस रेज किया था 20 दिसंबर को। यहाँ पे हम एंटर करके देख सकते हैं कि हमने उनको क्या क्या दिया हुआ था, जो क्वांटिटी रेट और जीएसटी क्या लगा हुआ है। एस्केप करके हम हमारे रिपोर्ट में जाते हैं और यहाँ पे से भी हम चेक कर सकते हैं, 2 नोज आईफोन दिए थे हमने और 50,000 रुपीज पर पीस था। हमने मटेरियल दिया था उसके अगेंस्ट में दोस्तों हमें उन्होंने 50,000 रुपए पे किए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 68,000 रुपीज अभी भी पेंडिंग है, माने कि 1,18,000 का टोटल इनवॉइस था उसमें से उन्होंने हमें 50,000 पे किए और यहाँ पे अभी भी उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें दिख रहा है 68,000 रुपीज। तो टोटल मिला के 72,325 अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, माने कि हमारे डेटर से। तो इस तरीके से आपको बिल्स रिसीवेबल देखना है। अभी हम कोई पर्टिकुलर पार्टी को देखते हैं, जैसे कि हमारा ये जी मार्ट है तो हम एस्केप करते हैं और यहाँ पे हम लेजर में आते हैं। लेजर में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जी मार्ट को, तो जी मार्ट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम अल्ट F1 करते हैं और डिटेल व्यू देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों लेजर जो है वो हमारा जी मार्ट का, पर्टिकुलर जी मार्ट का ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जी मार्ट से 20 दिसंबर को एडवांस पैसा मिला था। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में सब एंट्रीज की हुई है दोस्तों कि किस तरीके से आपको एडवांस सिलेक्ट करना है ताकि आपको यहाँ पे एडवांस दिखेगा। तो यहाँ पे 20 दिसंबर को हमें मिला था एडवांस जो है 50,000 रुपीज। इसके बाद में हमने एक इनवॉइस रेज किया था जो है 1,18,000 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,18,000 का हमें एक इनवॉइस रेज किया हुआ है, जो हमने आईफोन 11 प्रो मैक्स दिया हुआ है 50,000 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमें ये जो इनवॉइस रेज किया है उसके अगेंस्ट में हमें दूसरा पेमेंट मिला है जो है 50,000 रुपीज का, माने कि हमें यहाँ पे रिसिप्ट मिला है पहले एडवांस और फिर इसके बाद में हमें 50,000 का एक दूसरा
पेमेंट मिला है हमें उनसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50,000 प्लस 50,000 माने कि 1 लाख रुपीज हमें उनसे मिले हुए है। ये जो पेमेंट आया है हमने उसकी एंट्री कर ली, इसके बाद में हमें 2 दिन के बाद पता चला माने कि 22 दिसंबर को पता चला कि ये जो चेक मिला था दोस्तों हमें वो बाउंस हो चुका है माने कि डिसऑनर हो चुका है। हमने उसकी रिटर्न एंट्री की थी 22 दिसंबर को, तो पेमेंट में हमने उसकी जैसे ही एंट्री की 50,000 की, तो यहाँ पे जो उनका पेंडिंग पेमेंट आ रहा है वो है 68,000। यहाँ पे दोस्तों 1,18,000 का हमारा एक इनवॉइस बन रहा है, उसके बिहाफ में उन्होंने 50,000 एडवांस दिए। 50,000 दूसरी बार उन्होंने एक दूसरा पेमेंट किया बट वो ये 50,000 के अगेंस्ट में चेक बाउंस हो गया, तो हमने उसकी रिवर्सल एंट्री की है। तो यहाँ पे उसका जो टोटल अमाउंट है बैलेंस वो 68,000 हो रहा है। तो दोस्तों जब आप और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो अगर आप बिल वाइज एंट्रीज करते हो, जैसे मैंने आपको मेरे स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि आप वो वाला लास्ट वीडियो देखिए हमारा, तो यहाँ पे हमने एडवांस सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे हमें दिखेगा ऑन अकाउंट हमने सिलेक्ट किया था। जब हमारा स्पेसिफिक कोई कंडीशंस होती है, जब हम लोगों को ऑन अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस वो सब सिलेक्ट करना होता है, तभी जाके हमें यहाँ पे प्रॉपर आउटस्टैंडिंग लेजर्स में पूरी डिटेल्स दिखती है। तो हमने जब ये एंट्री कर रहे थे चेक बाउंस की तब हमने ऑन अकाउंट सिलेक्ट किया था, तो आपको यहाँ पे ऑन अकाउंट दिखेगा और पूरी डिटेल्स दिखेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 68,000 रुपीज अभी भी उनका पेंडिंग है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लेजर वाइज देखना है। तो अभी हम देखते हैं हमारा एक क्रेडिटर का लेजर दोस्तों, एस्केप करते हैं और यहाँ पे हमारा एक जो क्रेडिटर है वो है राम एंड कंपनी। यहाँ पे हम अल्ट F1 करते हैं और उसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 18 दिसंबर को 001 नंबर का इनवॉइस हमें मिला था माने कि हमने परचेज किया हुआ है आईफोन 11 12 पीसीस में और 50,000 उसका रेट है, तो 6 लाख का हमें एक इनवॉइस मिला था जिसकी एंट्री हमने यहाँ पे परचेज वाउचर में की हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद में एस्केप करते हैं, इसके बाद में है 20 दिसंबर को, यहाँ पे आपको जर्नल दिखेगा। हम यहाँ पे एंटर करेंगे और देखेंगे कि ये 50,000 क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस रिटर्न किया था हमने एक आईफोन 11 जो है 50,000 का, वो हमने उनको रिटर्न किया था। हम एस्केप करते हैं और हमारे रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी दिखेगा, यहाँ पे 50,000 रुपीज और 1 पीस आईफोन 11 प्रो मैक्स का हमने रिटर्न किया था, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में दोस्तों देखोगे तो 6 लाख रुपीज है और पेंडिंग अमाउंट ये इनवॉइस के अगेंस्ट में 5,50,000 है। 50,000 जो रिटर्न किए थे हमने वो यहाँ से डायरेक्टली माइनस हो गया है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो 18 दिसंबर है यहाँ पे ड्यू ऑन और ओवर ड्यू 4 डेज हो गए हैं, बट अभी भी हमने उनका ये पेमेंट किया नहीं है ऐसा हमें दिखा रहा है। हमने यहाँ पे 22 दिसंबर सिलेक्ट किया है तो इस तरीके के आपको यहाँ पे 4 डेज दिखाएगा। इसके बाद में एक दूसरा इनवॉइस था जो 002 नंबर का था और यहाँ पे हमने उसका एक एंट्री किया है 50,625 का, तो यहाँ पे हम वो एंट्री देख सकते हैं। ये हमारा जो एंट्री है वो है परचेस का दोस्तों, एस्केप करते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे आईफोन 6s लिया हुआ है, आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिखेगी। और ये जो इनवॉइस है उसके अगेंस्ट में हमें 50,000 रुपीज मिले हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगा हमारा एक पेमेंट का एंट्री है, तो यहाँ पे हम एस्केप करते हैं। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो टोटल हमारा जो इनवॉइस था मतलब हमें जो इनवॉइस मिला था वो है 50,642 का, जिसमें से हमें 50,000 हमने ये इनवॉइस के अगेंस्ट में ले लिए है। तो यहाँ पे ये इनवॉइस के अगेंस्ट में 642 का जो पेमेंट है वो रिमेनिंग है, तो टोटल यहाँ पे 5,50,000 ये इनवॉइस के 001 और 002 के यहाँ पे हमें 642 देने हैं, माने कि टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है जो हमें पे करना है वो 5,50,642 है। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर एंट्रीज करनी है। अगर आप बिल वाइज प्रॉपर एंट्री करते हो तो आपको इस तरीके के रिपोर्ट्स डिटेल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं CR माने की स्टैंड फॉर क्रेडिटर्स और यहाँ पे अगर DR होता DR माने की जो स्टैंड बाय डेटर्स, तो आपको यहाँ पे अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे एस्केप करके रिपोर्ट में जाना है और रिसीवेबल और यहाँ पे आपको पेबल में जाना है और देखना है कि आपके कौन से डेटर्स है और कौन से क्रेडिटर्स है। आप ग्रुप में जाके भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा तो उनका पूरा लिस्ट होगा। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो दोस्तों कि दिया एंड कंपनी जो है, के मार्ट है, राम एंड कंपनी जो है
वो आपके क्रेडिटर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, और एस्केप करके आप यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स भी देख सकते हो कि कितने आपके डेटर्स है। अभी हम एस्केप करते हैं और पेबल का जो आउटस्टैंडिंग है वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे पेबल्स में चले गए। पेबल्स माने कि दोस्तों हमें किसी को पैसे देने हैं, मतलब हमने माल उधार खरीदा है और हमें अभी भी उनको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग में पेबल्स में जाना है। हम अभी यहाँ पे पेबल्स करते हैं और यहाँ पे आपको जितने भी पेबल्स होंगे वो डिटेल्स दिखेगी। अभी हम यहाँ पे करते हैं अल्ट एफ वन। यहाँ पे दोस्तों आपको डिटेल में दिखेगा दिया इन कंपनी का एक इनवॉइस था, और जो हमने माउस और स्पेयर पार्ट खरीदे थे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। राम एंड कंपनी जो अभी हमने देखी उसका इनवॉइस और उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे इसके बाद में है राम एंड कंपनी, जिससे हमें परचेस इनवॉइस मिला था इतने रुपीज का, 50,642, और यहाँ पे हमें 50,000 रुपीज अगेंस्ट रेफरेंस में डाले हुए है, और यहाँ पे हमें 642 ये इनवॉइस के अगेंस्ट में हमें मिले है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना पेंडिंग पेमेंट्स बच रहा है। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों है कि 1 अप्रैल का हमारा एक इन्वॉइस था जिसका ओवरड्यू हो गए है 265 डेज, फिर भी अभी तक हमने उनको पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 22 दिसंबर सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो डेज जो है वो कैलकुलेट करेगा। अगर हम यहाँ पे हमारा पीरियड है वो चेंज करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 30 अप्रैल, तो यहाँ पे आपको ओवरड्यूज जो है वो 29 डेज से दिखाएगा। तो आपको पीरियड जो है वो सिलेक्ट करना है, करंट पीरियड आप सिलेक्ट करोगे तो आपको सही सही ओवरड्यूज डेज मिलेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं अल्ट एफ वन, और हमारा 20 दिसंबर है तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको ओवरड्यूज डेज देखने हैं। इसके बाद में हम एस्केप करते हैं और यहाँ पे ग्रुप में चले जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स, माने कि हमें किसी को जो पेमेंट करना है वो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखना है, और हमने उधार माल बेचा है और हमें किसी से पैसे लेने हैं तो आपको डेटर्स में देखना है। तो अगर हम क्रेडिटर्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखेगी कंपनी वाइज, और टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके बाद में हम एस्केप करते हैं और सन्ड्री डेटर्स में जाते हैं, तो भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिखेगी सन्ड्री डेटर्स की। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये जो डिटेल्स है वो देखना है। अगर आपको एस्केप करते हैं और कोई प्रिंट निकालना है, जैसे कि मुझे लेजर का एक हमारा जैसे राम एंड कंपनी है उसका प्रिंट करना है, अल्ट एफ वन कर लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं अल्ट पी। यहाँ पे हम करंट ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए हम आई प्रेस करते हैं, और यहाँ पे जूम करने के लिए अल्ट जेड करके हम देखते हैं अभी को हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भेजना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिलेगी। हम एस्केप करते हैं, अगर हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम प्रिंट के ऑप्शन पे जाके प्रिंट कर सकते हैं, और पीडीएफ फाइल को भी हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरी ये जो एंट्रीज है वो सही सही करनी है। इसके बाद में आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रॉपर चेक करना है। पहले एंट्री सही सही होगी तो आपका जो रिपोर्ट है वो भी सही सही निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अलग अलग वे में आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम का भी ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम बहुत सारी अपडेट्स देते हैं पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी को लेके भी। जो हमारा आईडी है वो एक कॉमन ही है, 2 दिया पटेल। आप कहीं पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो हम दोस्तों मिलते हैं हमारे नए क्लास में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।